दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ जो बच्चे के ऊपर आप उपटन लगाते हैं, जिससे आपके बेबी का जो वो होता है कलर भी थोड़ा क्लियर होता है, जो बच्चे के ऊपर डेड स्किन होती है वो भी सारी निकल जाती है, और जो बच्चों के जो ऊपर बहुत सारे हेयर्स वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पे होते हैं, माथे पे होते हैं, और यहाँ बैक पे लड़कियों के होते हैं, तो ये हेयर्स होते हैं जो उनको रिमूव करना होता है, जो बचपन में अगर निकल जाते हैं दोस्तों तो फिर वो नहीं आते हैं कभी भी। ऐसा होता है ना, बचपन में जो चीज़ें हो जाती है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जैसे उसको उस टाइम पे नाक उठ जाती है तो उस टाइम पे उठ जाती है, फिर बाद में नहीं होती, उसी तरह से दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगी। अगर आप लोग उस टाइम पे अगर आप अपने बच्चे की केयर करोगे तो वो हमेशा के लिए वैसा ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप उसकी मालिश करोगे तो उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी, अगर आप उसे कलर के लिए करोगे तो उसका कलर भी फेयर हो जाएगा दोस्तों। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपको लेनी है पहले कच्चे दूध की मलाई। कच्चे दूध की मलाई ले करके आप उसमें गेहूं का आटा हो या फिर आपके पास चावल का आटा हो, कोई भी आटा आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसमें आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, और आप इसमें हल्दी अगर जो घर की पीसी हुई हो तो ही ऐड करना, बाहर की मार्केट की नहीं ऐड करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप चंदन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको अच्छे से मिला लेना है। अब मैं इसमें थोड़े से मॉइस्चर के लिए ऑयल ऐड करूँगी, जो कोकोनट भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं जॉनसन बेबी का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आप देख सकते हैं इसे मिला, अच्छे से मिलाना है, पेस्ट को अच्छे से बनाना है। देखिए आप कितना थिक है ये, ठीक है, इतना ही थिक रखना है इसको, ज़्यादा पतला नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं लेकिन बेबी पे अप्लाई करके नहीं दिखाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको अपने बेबी के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप इसे 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, हफ्ते में दो बार, हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, 15 दिन में आप दो बार इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे देखिए आप अच्छी तरह से बॉडी पर लगाएं, और ये अपने आप सूख जाता है दोस्तों। आप इसे मलोगे तो मल मल के आपको उसको निकालना है, इससे आपके जो बेबी के ऊपर जो हेयर्स होंगे ना वो सारे के सारे निकल जाएंगे। एक बार में तो नहीं निकलेंगे, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये अच्छे से निकल जाएंगे। इससे बेबी को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, और हेयर भी निकल जाएगा, और जो बेबी के ऊपर थोड़ी सी मैल वेल सा भी चढ़ जाता है और डेड स्किन भी आ जाती है तो वो भी क्लीन हो जाएगी, इससे थोड़ा कलर भी फेयर होगा दोस्तों, ठीक है। और नेचुरल बिल्कुल होममेड पैक है, जो आप इसे लगाओगे तो आपके बेबी के ऊपर कोई हार्मफुल रिएक्शन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि देखो मैं भी अपनी बेबी के ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। आप इस तरह से मल मल के हाथों पैरों में जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि आपके बेबी के बाल यहाँ पर नहीं होने चाहिए, आप इवन फेस में भी आप लगा सकते हैं इसको, आप फेस में भी इसके लगाइए और जैसे अच्छे से आराम आराम से मलिए। उसके बाद देखिए जैसे मैं बगल में भी कर रही हूँ फेस पर लगा के, आप फेस के माथे के बाल, जैसे माथे पर बहुत सारे बेबी के बहुत सारे बाल होते हैं, आप उसको भी हटा सकते हैं इसको अगर आप करोगे तो। बस इसी तरह से मैंने अपने बेबी के जो मुझे बाल नहीं चाहिए फेस पे, जो मेरी बेटी है उसके बहुत सारे बाल हैं वो अब नहीं निकलते हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें अपनी दूसरी बेटी पर इस्तेमाल करती हूँ, कि फिर बाद में थोड़ी अजीब सा लगता है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो माँ वैसे भी कॉन्शियस रहती है, क्योंकि मैं खुद सांवली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ जो बहुत गोरी चिट्टी रहे इनको कोई कुछ ना कहे, क्योंकि सब लोग मुझे मेरे कॉम्प्लेक्स की वजह से बोलते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का कलर है जो फेयर है, बेटी का बड़ी वाली बेटी का फेयर है, छोटी वाली बेटी का नहीं है, तो मैं उसके लिए साथ साथ थोड़े से जो ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं और होममेड होता है, इनसे मैं अपने बेबी का जो कलर है थोड़ा फेयर करने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी हद तक फेयर हो चुका है दोस्तों, आप देखिए मेरे बेबी का कलर बहुत फेयर हो चुका है, ठीक है। और देखिए इस तरह से मैंने मलमल के निकाला है, माथे पे हेयर नहीं है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ दोस्तों, इसलिए मेरे बेबी के माथे पर हेयर नहीं है ज़्यादा, और मैंने सब दोस्तों बस ये कुछ रेमेडी थी, यही कुछ चीज़ें थी। अगर आप डेली में हफ्ते में कम से कम दो या से तीन बार करती हूँ, दो बार तो करती हूँ, दो से तीन तो नहीं होता मेरा, लेकिन हफ्ते में दो या एक होता जरूर है, मैं करती जरूर हूँ, ठीक है। आप कर सकते हैं गर्मियों के टाइम पे, जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है तो आप गर्मियों में कर सकते हैं, और आपकी बेबी का रंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।